आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं स्पर्धा रोडनी। ओके धन्यवाद धन्यवाद साथ रहते प्रेमी दल प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी आपने हमें सर को प्रभु जी सब्सक्राइब प्रभु जी इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मांगते हैं प्रभु जी इस मीटिंग के लिए प्रभु जी जिसमें आपने हम सभी को अच्छा मौका दिया प्रभु जी मांगते हैं प्रभु जी हम अच्छे से सीखने वाले हो सके प्रभु जी और कुछ यहाँ जो भी कुछ भी बताया जाता है प्रभु जी हम अच्छे से सीखने वाले हो और ध्यान देने वाले हो सके प्रभु जी मांगते हैं प्रभु जी पूरी मीटिंग में हमारी रक्षा कीजिए प्रभु जी अगुवाई कीजिएगा प्रभु जी अब क्या मांगो प्रभु जी मांगते बोले आप सब कुछ जानते हैं यीशु के नाम से हम कबूल करते हैं आमीन आमीन। थैंक यू स्पर्धा, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। और हर चीज प्रार्थना के साथ शुरू करना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना हमें मदद करती है कि हम प्रभु के हाथ में सब कुछ सौंपे। तो आज ये जो डिजी मीट का पहला दिन है जिसमें कि आप सब यहाँ पर सीखने आए हैं, हम लोगों ने प्रार्थना से शुरू किया है ताकि प्रार्थना के साथ प्रभु के हाथ में हम इस ट्रेनिंग को भी सौंपे। तो आइए इसी के साथ आज का ये जो डिजी मीट का पहला दिन है बैच 4 के लिए हम उसको आपके सामने रखते हैं। और पूरे डिजी मीट की टीम की तरफ से आप में से हर एक बच्चे और जवान को हम लोग वेलकम करते हैं। डिजी मीट बैच 4 के सभी जवान बच्चों को और जितने भी यहाँ पर जवान उपस्थित हैं उनको हमारी तरफ से हार्दिक वेलकम। इससे पहले कि हम लोग आज के सेशन में जाएं, जैसा कि कुछ नियम आपके सामने भाई आशीष जर्मिया ने रखे थे, भाई आशीष जर्मिया जो कि डिजी मीट के कोऑर्डिनेटर इंचार्ज हैं, उन्होंने कुछ नियमों को रखा था। उन नियमों को देखने के साथ साथ हम लोग आज के इस मीटिंग को शुरू करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो थम्स अप का ऑप्शन दिखा सकते हैं, यदि स्क्रीन आपको दिख रहा है तो। ओके परफेक्ट। तो डिजी मीट में फिर से आप सबका स्वागत है। कुछ डिजी मीट के नियम जो कि आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, आप सबको पता है कि आपको डिजी मीट के ग्रुप्स में ऐड किया गया है जिसके द्वारा आपको ये लिंक मिला। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने डिजी मीट का लिंक भरा पर उन्हें ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, आप ये जो दो नंबर दिए गए हैं ना इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस जो व्हाट्सएप ग्रुप है डिजी मीट का, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो डिजी मीट से संबंधित बातें हों। फॉर एग्जाम्पल आपके होमवर्क्स, इन दिनों में आपको होमवर्क मिलेगा, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, निर्देशन दिए जाएंगे, तो उनमें आपको थम्स अप भेजना है। इस ग्रुप में हम कोशिश करेंगे कि डिजी मीट के अलावा और कोई बात ना करें। साथ ही साथ अगर आपके आत्मिक प्रोत्साहन के लिए हमें कुछ भेजना होगा तो भाई आशीष या फिर मैं आपको उस चीज को भेजेंगे। फिर डिजी मीट के टीम से अगर कोई भी, अगर आपके कोई भी व्यक्ति सवाल पूछते हैं, कोई होमवर्क देते हैं, जल्द से जल्द उसे आप पूरा करने की कोशिश करें। इस ट्रेनिंग में कम से कम 80% अटेंडेंस जरूरी है। इसका मतलब आप में से हर एक जन को यह आवश्यकता है कि अगर टोटल 7 या 8 क्लासेस हैं, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है। और अगर कोई इमरजेंसी है तो सिर्फ एक क्लास मिस कर सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेट के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे तो आपको कुछ एडमिन मिलेंगे। अब एडमिन कौन होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, ये हमारे डिजी मीट का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि सभी बच्चे और जवान हैं। इस ग्रुप में टच करते ही आपको नजर आएगा कुछ लोग हैं जिनके नाम के आगे एडमिन लिखा हुआ है, जैसे आशीष शर्माया, भावना मैसी, चांदना चांदनी और जैसिका। आप हम में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं आज के सेशन में। और मेरा नाम जैसिका रॉबिन आमोस है, जैसे सब लोग पढ़ सकते हैं, मेरी स्क्रीन में भी लिखा हुआ है मेरा नाम जैसिका है। और मैं मीट की जो ये जिस मुहिम के अंदर डिजी मीट आता है, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। और साथ साथ में 22 साल की आपकी ही जैसी मैं एक जवान हूँ।
और प्रभु की सेवा करना मुझे पसंद है। तो जब भी आप मुझे क्लासेस में देखें, अगर आपको लगता है कि ये कौन है, तो आज मैं आपको नाम बताती हूँ। मेरा नाम है जेसिका। जैसे आप में से यहाँ पर कुछ जन है, जैसे किसी का नाम शना दास है, किसी का नाम रिया है, किसी का नाम मोहित है, रूथ है, एलिशा है, सौमिका है, किरण है, वैसे ही मेरा नाम जेसिका है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज हम अपने विषय में जाएंगे। हमारा जो विषय आज है वो है जूम। जूम जूम सुना है आपने? जूम क्या होता है? ऐसे जूम करना, किसी चीज को गौर से देखना। वेल, ये वो वाला जूम नहीं है। हम आज जिस जूम की बात करने जा रहे हैं वो एक एप्लीकेशन है, वो मोबाइल में पाए जाने वाला एक एप्लीकेशन है जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मेरा नाम जेसिका है और आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे उसका नाम है जूम। तो इस एप्लीकेशन को आप में से कितनों ने देखा है? आपके पापा मम्मी इससे मीटिंग में जुड़ते होंगे, या फिर आपके घर में कोई क्लासेस इससे अटेंड करता होगा। अगर आपने देखा है तो आप थम्स अप कर सकते हैं। और थम्स अप कैसे करते हैं? इसी जूम में आप अपने स्क्रीन को सब लोग टच करें। सार्थक, तान्या, ओके, स्क्रीन को टच करें। टच करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में मोर का ऑप्शन नजर आएगा। मोर का ऑप्शन नजर आया और जैसे वो खोलेंगे उसमें एक अंगूठा बना होगा, दिल बना होगा, तालियां बजी होंगी, ठीक। अगर मिला है तो अब आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सौमिका को मिल गया। आशी, आप भी कर सकते हैं थम्स अप। एलिशा को मिल गया, वेरी गुड। रूथ को मिल गया, सान्या को मिल गया, तान्या को मिल गया, सार्थक आप अभी भी शायद ढूंढ रहे हैं। ओके, अभी को मिल गया, बलविंदर सिंह को मिल गया, इनोश को मिल गया, सुनील को मिल गया, अनुराग को मिल गया और रंजन को भी मिल गया, वेरी गुड। तो ये जो जूम है, आइए इसके बारे में देखें। अब क्योंकि हम लोग सब लोग आज मोबाइल से जुड़े हैं, तो हम लोग जूम जो है उसके बारे में एंड्रॉयड फोन से कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको देखेंगे। और क्योंकि भारत की सबसे मुख्य भाषा है पंजाबी, कोई माइक खोल के बता सकते हैं? हिंदी, वेरी गुड। मुझे लगा भारत की मुख्य भाषा स्पैनिश है। स्पैनिश तो नहीं है ना? नो, ओके, हिंदी है। तो हिंदी भाषा में हम लोग मिलेंगे और साथ में लैंग्वेज हिंदी को अटेंड करेंगे, हिंदी। ओके, तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट कदम लेना है, आप सबको पता है आपके मोबाइल में प्ले स्टोर करके एक जगह होती है, आपने देखा होगा फोन में प्ले स्टोर करके एक ऐसा एप्लीकेशन होता है। ये वो जगह है जहां पर आपको सब एप्लीकेशंस का खजाना मिलेगा। तो अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग चीजें, अगर पतला होना है तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन है, गाना गाना सीखना है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन है, खाना बनाना सीखना है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन है। ये सब चीजों के लिए एप्लीकेशन है और वो कहाँ मिलता है? गूगल प्ले स्टोर पे। तो पहला कदम, आपको अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर ढूंढना है और इसे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खजाने में नहीं छुपा, ये आपके फोन के स्क्रीन में आपके बाकी एप्लीकेशंस के साथ होगा। जब आप जूम में जाएंगे उसके बाद आपको अपने प्ले स्टोर में कुछ इस प्रकार से जाकर जूम टाइप करना है। अब टाइप कैसे करते हैं? आप सब अपने स्क्रीन को दोबारा छुएं, तीन बिंदी में जाएं, वहां पर CHAT चैट लिखा होगा। वेरी गुड, एंजल ट्राई कर रही है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं। स्क्रीन को छुएंगे, आपको तीन बिंदी राइट साइड में नीचे नजर आएगा, दाएं तरफ नीचे, उसको छुएं, वहां पर चैट लिखा हुआ आएगा, ठीक। अब चैट जब आप दबाएंगे उसमें आप जाकर लिख के देखिए एक बार जूम, ताकि हम सबको पता हो जूम क्या है। सब लोग लिखिए चैट बॉक्स में, वेरी गुड। बलविंदर सिंह ने लिखा है, किरण ने लिखा है, शर्बीना, मोहित, एलिशा, स्पर्धा, सौमिका, रंजन जोशी, केयाशी, तान्या, रूथ, वेरी गुड, एनोश। बाकी लोग अभी मेरा चैट इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमने इसमें कुछ जादू किया है। अब आप दोबारा टाइप करके देखिए,
हाँ वेरी गुड। अभी विवेक भाई सब लोग ट्राई कर रहे हैं, शर्बीना, बीजतेंदर, सुनील, जूम, ZOOM, जूम। ओके, आप प्ले स्टोर में जैसे ही जाएंगे जूम का ये आपको आइकन नजर आएगा। आपको क्या करना है, इसे टच करना है और इंस्टॉल का बटन दबाना है। अब इंस्टॉल का बटन आप जैसे ही दबाएंगे तो ये जो जूम है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जब आप इंस्टॉल का बटन दबाएंगे तो ऐसे आपके सामने आएगा, यानी जो इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है वो प्रक्रिया आपको नजर आएगी। अगर अभी तक मुश्किल नहीं है तो सब लोग दिखा सकते हैं अपना अंगूठा, जब भी हमने दिखाया था। डाउनलोड वेरी गुड, अगर मुश्किल नहीं है तो अंगूठा दिखा सकते हैं। वेरी गुड, जैसे ही ये जो सर्कल है वो गोल 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 घूमना शुरू हो जाए, इसका मतलब आपका जूम डाउनलोड होना शुरू हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा है ना 36% डाउनलोड हो गया। ऐसे ही जब 100% हो जाएगा तो ये जो ओपन लिखा है ना ये अपने आप सफेद हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको इस ओपन के बटन को जो कि हरा या सफेद रंग में आएगा इसको क्लिक करना है। अब क्योंकि आप में से बहुत जन ऑलरेडी जूम से जुड़े हैं तो दो चीजें संभव है, या तो आपने जूम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है या फिर आपने डायरेक्ट नेट से इसे खोला है। चेक करने का तरीका ये है कि आज आप फोन के एप्लीकेशन में जाएं और ढूंढें कि उसमें जूम है या नहीं। अगली चीज, जूम तो हमने कर लिया डाउनलोड, बट शुरू कैसे करना है। मान लीजिए आपको अपनी जूम में आईडी बनानी है जिसमें आप अपना नाम सेव कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं। उसके लिए आपको साइन इन का ऑप्शन दबाना होगा। क्या सब लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं साइन इन लिखा हुआ आ रहा है? साइन इन सबको नजर आ रहा है? साइन इन करके नजर आ रहा है आपको स्क्रीन में? ओके, अगर आप हाँ नजर आ रहे हैं तो आप अंगूठा दिखा सकते हैं। साइन इन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप साइन इन करेंगे फिर वो पूछेगा कैसे साइन इन करना है। जैसे जब हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा मम्मी पूछती है चलो बेटा घर में भिंडी की सब्जी बनी है या चिकन बना है तो किसके साथ खाना है, चावल के साथ खाना है या रोटी के साथ खाना है, पूछते हैं ना मम्मी। अगर चिकन या भिंडी बनी होती तो बेटा किसके साथ खाना है, चावल के साथ खाना है या रोटी के साथ खाना है। तो वैसे ही जूम भी हमसे पूछता है कि आखिर हमें किस चीज के साथ अपने इस आईडी को शुरू करना है, गूगल के साथ शुरू करना है या फेसबुक के साथ शुरू करना है। अच्छा रहेगा कि अपनी जूम की आईडी को हम गूगल के साथ शुरू करें। गूगल क्यों? क्योंकि गूगल वो जगह है जहां पर आपका जीमेल सेव होता है। अब जीमेल किस चिड़िया का नाम है? जीमेल आप में से हर एक जन अगर देखेंगे तो एक डब्बा बना हुआ आता है हमारी स्क्रीन में, एक सफेद डब्बा जिसमें लाल रंग से M लिखा हुआ होता है। आने वाली क्लासेस में हम उसके बारे में बात करेंगे। वो मदद करता है हमें अपनी आईडी बनाने के लिए। तो उदाहरण के लिए इस केस में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी आईडी है, तो जैसे ही हम गूगल दबाएंगे वो हमें हमारी आईडी दिखाएगा। तो मान लीजिए मेरा नाम है जेसिका रॉबिन आमोस, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाएगा जेसिका रॉबिन आमोस @gmail.com। अब आपके फोन में जो भी आईडी है आप उसको क्लिक करें, आपका गूगल आईडी नजर आएगा उसे क्लिक करें, और उसके बाद आपके सामने जूम कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। सब लोग यहां तक समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो अंगूठा दिखा सकते हैं। समझ पाए तो अंगूठा दिखा सकते हैं। वेरी गुड। और जो भी अगर आपके पास सवाल है उसे आप अपने मन में रखिएगा, हम लोग इसको आखिरी में पूछेंगे, या फिर अगर बहुत अर्जेंट सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। ओके, अगर सबको समझ आ गया है, वेरी गुड, सार्थक ने एक थम्स अप दिखाया है, बाकी जन भी दोबारा एक बार थम्स अप दिखा दें अगर सबको समझ आ गया है तो।
शंकर ऐसे थम्स अप दिखा रही है। शंकर मोबाइल में जाना है, मोबाइल की स्क्रीन को छुइए। हाँ वहां पर तीन बिंदी है दाई तरफ, उसको छुइए नीचे, उसमें अंगूठा नजर आएगा। यस वेरी गुड। ओके तो शंकर ने भी सीख लिया अंगूठा कैसे दबाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके और ध्यान से आप सबको देखना है क्योंकि सभी बच्चों और जवानों आपको इसके अनुसार होमवर्क भी दिया जाएगा। ओके यहाँ पर जिस व्यक्ति की आईडी यूज हो रही है उसका नाम है जॉन ब्लेसिंग। ऐसे ही आपका नाम भी नजर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के फोन में पहली बार लिखा आता है सैमसंग J2 प्रो या फिर लिखा होता है नोकिया आशा 102। नहीं 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 डरने की जरूरत नहीं है, आपका जो मोबाइल है उसी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो अगर सैमसंग J2 प्रो लिखा हुआ है तो डरिएगा मत, वो आपका ही मोबाइल होगा। यहाँ पर जब आपका नाम लिखा हुआ आएगा आपको क्या करना है, पहली बार का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप मीटिंग को ज्वाइन करना सीखें। आप में से कितने जनों ने गणित पढ़ा है, मैथ्स कितने जनों ने पढ़ा है, अंगूठा दिखा सकते हैं। गणित करके एक सब्जेक्ट होता है। ओके मुझे तो वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे डर लगता था। आप में से भी कुछ जन होंगे ना जिसको मैथ से डर लगता है। हाँ तानिया तिग्गा बहन गला हिला रही है, बहन आपने मेरे मन की बात छीन ली। उफ मैथ से डर लगता है ना, ऐसी मुझे भी लगता है। पर मैथ्स में एक प्लस का साइन होता है, सब लोग अपने हाथ से प्लस का साइन बनाए। वेरी गुड वेरी गुड। वैसे ही इस प्लस का साइन मतलब होता है ज्वाइन करना। तो सभी लोग यहाँ पर स्क्रीन में देखिए एक ज्वाइन करते हुए आ रहा है ना, ये जब आप ज्वाइन का ऑप्शन दबाएंगे तो आप किसी भी मीटिंग में जुड़ सकते हैं। ये ज्वाइन का ऑप्शन नजर आ रहा है ना नीले रंग में, अक्सर हम लोग जब डीजी मीट की क्लासेस में आएंगे तो आपको ज्वाइन ही करना होगा। ओके तो ज्वाइन में क्लिक करें, आप आराम से मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। अब इसके बाद सबसे जरूरी चीज ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहाँ पर लाल कोई माइक खोल के बोल सकता है क्या लिखा हुआ आ रहा है? अनुराग बाग 10th H मीटिंग आईडी क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ ये मीटिंग आईडी क्या होती है। अभी आप लोग जब जुड़े आपको याद होगा ना एक डब्बा सा बना होगा जिसमें कि लिखा था मीटिंग लिंक 221 122 221। याद है अभी जब आप जुड़े? हाँ अब ऐसे जुड़े थे ना। आईडी पासवर्ड वेरी गुड, मैं स्क्रीन में दिखाऊंगी। मीटिंग आईडी के नाम से वो था, ये देखिए यहाँ पे था ना 221 122 221 2। ये होती है मीटिंग आईडी। तो इसको आपको यहाँ पर डालने की जरूरत है, अगर इसको यहाँ पर नहीं डाला तो हो जाएगी गड़बड़। ओके इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मीटिंग आईडी ज्वाइन करने के बाद क्या होगा। फिर आपके पास यहाँ नाम लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर जिस व्यक्ति की आईडी है जॉन ब्लेसिंग लिखा हुआ है, ऐसे ही आपका नाम लिखा हुआ आएगा या फिर लिखा हुआ आएगा SDM 21 Lenovo 23 Vivo 47। आप में से कितनों के पास सैमसंग का फोन है, अंगूठा दिखाएं। कोई पूछ रहे कौन सा फोन है, वेरी गुड। कितनों के पास MI का फोन है, एंजल पूछ रही है मम्मी से, मम्मी मेरा कौन सा फोन है। ओके ऐसे ही बाकी भी अलग अलग फोन्स होंगे, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं और अपना नाम यहाँ पर डाल सकते हैं मीटिंग आईडी के जस्ट नीचे, और वो करने के बाद फिर आपके सामने आएगा ज्वाइन का ऑप्शन। ज्वाइन मतलब अब आप हमारी मीटिंग में जुड़ गए हैं। पहले प्लस का साइन आया था, वो मतलब होता है ऐड होना, और जैसे ही आप ये दबाएंगे
फिर आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। अब मीटिंग में ज्वाइन होने के बाद क्या, मीटिंग में ज्वाइन होने के बाद वो आपसे मांगेगा सीक्रेट खजाने का पासवर्ड। सब लोग माइक खोल के बोले, सीक्रेट खजाने का पासवर्ड। माइक खोल के बोले सब लोग, सबका माइक खोल के बोल सकते हैं आप पासवर्ड, सीक्रेट खजाने का पासवर्ड। सीक्रेट खजाने का पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। क्या मुझे कोई बता सकता है हम जिस मीटिंग में जुड़े हैं उस खजाने का पासवर्ड क्या था? 2021. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। सब लोगों ने सही मीटिंग का खजाने का तराजू बनाया, वेरी गुड। कर सकते हैं सब लोग, तालियां बजा सकते हैं अपने लिए। ताली आपके जस्ट अंगूठे के बगल में ही होगा, वेरी गुड। तो आपने वो खजाने का पासवर्ड डाला और फिर आपको अगर गलती से भी ये लिखा हुआ आता है फॉर बेस्ट मीटिंग एक्सपीरियंस जूम को आपकी परमिशन चाहिए, तो आप उसे जरूर अपना आशीर्वाद दें, परमिशन दें, गॉट इट का बटन दबाएं और आगे बढ़ें। ठीक, अब उसके बाद सबसे जरूरी चीज, जूम आपसे अनुमति मांगेगा। जूम बहुत अच्छा बच्चा है। आप में से कितने ऐसे जवान और बच्चे हैं जो अपने पापा मम्मी से पूछ के हर चीज करते हैं? बताइए मुझे, कितने ऐसे यहाँ पर बच्चे और जवान हैं जो हर चीज पापा मम्मी से पूछ के करते हैं? वेरी गुड। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं सूंघ के बता सकती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोलना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी बेसिकली अगर आप मम्मी पापा की बात मानते हैं तो आपके लिए वैसे ही जूम भी जो है वो आपकी हर बात मानता है। जूम हर बार पूछता है कि मैं आपका चेहरा दिखाऊं, आप हाँ बोलेंगे तो वो हाँ करेगा। अगर वो बोलेगा कि अच्छा मैं आपकी आवाज सुनाऊं, आप हाँ बोलेंगे तो आपकी आवाज को सुनाएगा। यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि क्या मैं आपकी पिक्चर और वीडियो शेयर करूं, आपको बोलना है तथास्तु, यानी कर दो। वाइल यूजिंग दी ऐप, कर दो। तो जैसे ही आप वाइल यूजिंग दी ऐप दबाएंगे आपका चेहरा सामने प्रकट हो जाएगा। फिर यहाँ पर वीडियो प्रीव्यू में आपकी फोटो आएगी, सुंदर सी फोटो। इसलिए जूम में बैठने से पहले अच्छे से मुंह हाथ धो के, कहीं ऐसा नहीं नाक निकल रही है या कुछ हो रहा है, अच्छे से तैयार होके जूम में बैठ सकते हैं। और जब आप तैयार हैं, जब आप जंग के लिए तैयार हैं, तो ज्वाइन विद वीडियो दबा सकते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, आप तो छोटे बच्चे और जवान हैं, तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और बहुत आसपास अंधेरा है और आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो कोई ना देखे, तो ज्वाइन विदाउट वीडियो को दबाना है। विद का मतलब होता है साथ में, विदाउट का मतलब होता है बिना। तो वैसे अच्छे बच्चों की तरह हमें तो विद करना चाहिए, एक दूसरे का चेहरा देख कर हमें ऑन करना चाहिए, तो विद वीडियो आप ज्वाइन करेंगे। अब आती है सबसे जरूरी चीज जो हमारी इस क्लास में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से किसी को नजर आ रहे हैं ये लाल डब्बे में क्या लिखा है? म्यूट, म्यूट। अभी काफी जन अपना आवाज तो बोलना चाहते हैं पर उनका माइक क्या है, म्यूट। ये ऑप्शन अगर खुला है, अगर सफेद रंग का है, इसमें कोई डंडी नहीं बनी, इसका मतलब आपकी आवाज सुनाई दे सकती है। कुछ लोग क्या होते हैं, क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और पीछे से उनकी मम्मी बोलती है, अरे राजू कपड़े सुखा लिए, पता है ना इसे? मीटिंग में आवाजें आती है ना। या फिर कोई बोलता है, अरे रमेश तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, अभी मारूंगी मैं तुम्हें। या फिर दो जन आपस में झगड़ रहे हैं, सोचो मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, तो उसकी भी आवाज सुनाई दे जाती है। तो इसीलिए जब कुछ नहीं बोलना होता तो इसको दबाकर इसको लाल कर सकते हैं। लाल या फिर ऐसे कट का निशान आएगा तो समझ जाइएगा आप सब म्यूट पर हैं। ओके, ऐसे ही जो अगला ऑप्शन है वो है हमारे सामने, ओके, म्यूट के साथ साथ जो बना है वो है ये स्टॉप वीडियो। आपको नजर आ रहा है
नीचे कोने में स्टॉप वीडियो लिखा हुआ है ना। स्टॉप वीडियो से क्या होगा, मान लीजिए पीछे से भागता हुआ आया और आपको उसने कुछ काम याद दिलाया, अगर आप स्टॉप वीडियो दबाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपकी वीडियो बंद हो जाएगी। माइक ऑफ करने के बाद जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ वो ये रहा, और इसको मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। स्टॉप वीडियो हो गया, माइक बंद हो गया, पर अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है और अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो माइक को अनम्यूट भी करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें एक चीज जो है वो है कैसे आप स्क्रीन शेयर करें। आपको जब भी अपने स्क्रीन के सामने नजर आ रहे ना लिखा हुआ, ये सब स्क्रीन शेयर का नतीजा है। स्क्रीन शेयर कुछ इस प्रकार से आपको हरा डब्बा करके नजर आएगा। अगर आप लोगों को अपने स्क्रीन में एक हरा डब्बा नजर आ रहा है तो सब लोग अंगूठा दिखाएं। बीच में शेयर अगर नजर आ रहा है तो अंगूठा दिखाएं। सबकी स्क्रीन में होगा। सार्थक आपको मिला, वेरी गुड। ओके, रूथ आपको मिला, फिर ऐसे ही सौमिका आपको मिला, शिवानी आपको मिला, इनोज भाई आपको मिला, सुनील भाई आपको मिला। जो अंगूठा नहीं दिखा रहे मैं उनका पूछ रही हूँ। ओके, मिल गया, वेरी गुड। ये जो शेयर है ये करता है असली मैजिक। मान लीजिए आप किसी दिन अपने टीचर को बोलते हैं कि टीचर आज मैं आपको जूम में मिलना चाहती हूँ। टीचर बोलेगी अच्छा तुम्हें अपने कल का होमवर्क दिखाना है, कैसे दिखाओगे? तो ये जो शेयर का ऑप्शन है जब हम इसे दबाते हैं ना, हमारे सामने बहुत सारे लंबे लंबे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दबाते ही हमारे सामने लिखा आता है स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब है जो भी आपके स्क्रीन में चल रहा है। सामने अगर आपके मम्मी पापा की फोटो है तो वो आ जाएगी। जैसे मेरे स्क्रीन में ये फोटो है, सबको नजर आ रहा है? अब ओके, अब नजर आ रहा है? क्या है ये? उड़ता हुआ गुब्बारा। ऐसे ही आपके जो स्क्रीन में होगा वो नजर आएगा। ओके, अब इतना ही नहीं, जब आपकी स्क्रीन में क्या है वो नजर आएगा, आपके सामने और भी ऑप्शन आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट जरूरत नहीं है, व्हाइट बोर्ड, अगर आपको कुछ कलाकृति करनी है तो व्हाइट बोर्ड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक ऑप्शन दिखाने जा रही हूँ जिससे आप सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। ओके, सब लोगों को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन में स्टॉप वीडियो लिखा है ना अभी? यस। अब सब लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। सब लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। ओके, आप जब मोर के ऑप्शन में जाएंगे ना तो आपको एनोटेट नजर आएगा लिखा हुआ। ट्राई करें कोई जन, अगर आप मोर के ऑप्शन में जाएंगे वहां पर एनोटेट लिखा होगा। देखिए अगर है तो यस, शना दास ने एक लाइन खींची। तो ये आपका समय है, आप जो बनाना चाहते हैं स्क्रीन में बना सकते हैं। और यहाँ से मैं जादू से पता कर लूंगी किसने बनाया है। तो शुरू करिए ड्रॉ करना। फिर से बोली। देखिए जो मोर का ऑप्शन है ना, मोर के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एनोटेट नजर आएगा। मोर के ऑप्शन में जाएंगे, देखिए जैसे अभी रिया ने फूल बनाया, सना ने लाइन बनाई, शंकर ने डॉट बनाया, बाकी जन भी ट्राई करें। वैसे यहाँ से मैं दिल बना देती हूँ, अलीशा ने भी ट्राई किया। बोलिए, मोर के ऑप्शन में जाएंगे जी, और मोर के ऑप्शन में आपको एनोटेट करके नजर आएगा। मोर के ऑप्शन में एनोटेट करके नजर आएगा। मैम मुझे समझ में नहीं आया। मोर के ऑप्शन में, जी जी जी, मोर के ऑप्शन में आप चेक करिए कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? पढ़िए मोर के ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है। मैन हाइड माय वीडियो इन गैलरी व्यू, हाइड नॉट वीडियो पार्टी पार्टिसिपेंट शो नेम पार्टिसिपेंट जॉइन। ओके, आई थिंक आपका वर्जन फिर अपग्रेडेड नहीं है। आप एक काम करिएगा, प्ले स्टोर में जब जाएंगे ना अपने जूम को अपडेट करिएगा। ये देखिए बाकी सब जन डिजाइन बना रहे ना स्क्रीन में।
अब आप सोच रहे होंगे स्क्रीन मेरा है पर डिजाइन आप कैसे बना रहे हैं, तो ये जादू है जो जूम आपको मदद करता है, और ये हुआ जादू, सब कुछ हो गया खाली। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि मैं आपके लिए इस चीज को बंद कर दूं। अब आप ट्राई करिए, अब आप नहीं बना पाएंगे, कोशिश करिए। नहीं बना पा। वेरी गुड, नहीं बना। छोटा सा एक्टिविटी था ये, अभी इसको दोबारा करेंगे। ये हमारे थोड़े कहते ना बीच में एक्टिविटी जैसा है ताकि आप लोग बने रहें। ओके, तो शेयर में जाकर आप ऐसे ड्राइंग भी कर सकते हैं, अगर व्हाइट बोर्ड है तो सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। आपको अपनी फैमिली फोटो शेयर करनी है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, जो आप शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। ओके, इसी के बाद हम लोग एक और ऑप्शन देखेंगे जिसे हम कहते हैं लीव का ऑप्शन, पर अभी इस ऑप्शन को हम नहीं देखेंगे, ये ऑप्शन लास्ट में एक जादू दिखाने के लिए होगा। ये समय होगा कि मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगी, ये आपके लिए टेस्ट है। सब लोग रेडी हैं? अगर सब लोग रेडी है टेस्ट के लिए तो अंगूठा दिखाएं। ओके, टेस्ट कुछ इस प्रकार है, आप में से जो सबसे जल्दी, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे जल्दी शेयर का बटन दबाएगा और स्क्रीन शेयर करेगा वो आज उसको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। ट्राई करिए, शेयर का बटन दबाइए और जिसका स्क्रीन शेयर हो गया उसको आज प्लस वन पॉइंट। बीच में के आशी का स्क्रीन सबसे पहले शेयर हुआ, ओके, सुनील मसी का भी शेयर हुआ, अब ये किसका है, हाँ सुनील मांझी, सॉरी सुनील मांझी का शेयर हुआ। ओके, अब सुनील मांझी का बंद करते हैं। और कोई ट्राई करना चाहेगा? आशी आपका हो गया, अभी का भी हो गया, स्पर्धा रोडनी का भी हो गया, वेरी गुड, स्पर्धा रोडनी का आया है प्लेन बैक बैकग्राउंड। ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? आपका स्क्रीन पता है सब देख पा रहे, शिवांगी का स्क्रीन आ गया, और कोई ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करिए। मैम क्या करना है? मैम नहीं कर रहा है। शेयर का जो ऑप्शन है ना, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर स्क्रीन के ऑप्शन में जाके स्क्रीन दबाइए। अलीशा मेसी का भी शेयर हो गया, सना दास का भी हो गया, और भी कोई ट्राई करना चाहता है तो कहिए। सौमिका मसी का भी हो गया। कोई दूसरा अगर कर रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे स्क्रीन लिख रहा है। जी जी जी, तो अभी जो ट्राई करना चाहते हैं वो अपना नाम बताएं, मैं उन्हें मौका दूंगी फिर। श्रावणी नाग। ओके, तो अभी और कोई नहीं करेगा, जैसे अभी बलविंदर भाई का हो गया है। ओके, अभी जिन्होंने बोला वो करें, एक बार ट्राई करें। रंजन जोशी। ओके, ऐसे कोई और भी ट्राई करना चाहते हैं तो करें, बाकियों का मैं यहाँ से बंद करती रहूंगी। अनुग्रह विभाग, सार्थक लाकरा, अनुग्रह विभाग। अब और कोई नहीं करेगा, सिर्फ अनुग्रह विभाग करेंगे। सार्थक का भी हो गया, वेरी गुड। अनुग्रह विभाग आप करें। मैं करना चाहती हूं। ओके, पहले अनुग्रह फिर तान्या। अनुग्रह आप करें ट्राई। यस मैम, स्क्रीन में गया फिर क्या करना है? स्क्रीन आएगा ना लिखा हुआ, उसको दबाइए। स्क्रीन या फोटो कुछ भी लिखा हुआ है उसे ट्राई करिए, यहाँ शेयर हो जाएगा। बीच में शेयर के ऑप्शन में कुछ भी दबाएं वो शेयर हो जाएगा। मैम रिया रेचल का हो गया। जी जी जी, मैं मम्मी का। हाँ रिया रेचल ने कर लिया, पहले तानिया आप करिए, तानिया के बाद ओके रूथ चरण, अब आप भी बंद कर सकते हैं। तानिया आप ट्राई करें, सिर्फ तान्या जिसका नाम है वो ट्राई करेंगे, बाकी जिसने भी शेयर किया मैं उसका नाम आज से तान्या रख दूंगी, क्योंकि तो लड़का ट्राई करेगा तो उसका नाम तान्या रख दूंगी मैं। ये देखो विवेक, विवेक किसका नाम है आपसे, आप ही तान्या। तान्या ट्राई करेंगे, तान्या ट्राई करेगी, फिर जो के नाम से जुड़े हैं वो ट्राई करेंगे। तान्या आप ट्राई करिए। और तो नहीं शेयर कर रहा, या फिर जो किरण के नाम से जुड़े हैं आप ट्राई करिए शेयर करना। तान्या तिग्गा, थैंक गॉड। ओके, तान्या तिग्गा के टेडी बेयर्स सामने आ गए। किरण बहन का यीशु मसीह, वेरी गुड। अभिषेक, चलिए अब अभिषेक जिसका नाम अभिषेक है वो ट्राई करेंगे। वेरी गुड तान्या बहन एंड बाकी जन, जिसका नाम अभिषेक है वो ट्राई करें।
फिर एंजल साउंड ट्राई करेगी। मैम मेरा आ गया। जी जी जी, टेडी बेयर आ गया, अभिषेक भाई का भी आ गया, वेरी गुड। अभी आप भी शेयर कर सकते हैं। मैम मेरा आ गया। जी जी जी, तानिया बहन आपका आ गया, जो टेडी बेयर आए थे ना, आ गया जी। परफेक्ट, एंजल साहू, हाँ अभिषेक का भी आ गया। एंजल साहू आप भी ट्राई करें शेयर के ऑप्शन में जाके। शर्बानी का भी हो गया, वेरी गुड। शर्बानी बहन आप पेंटिंग भी करते हैं। अनुग्रह मेरा नहीं आ रहा है, आप दोबारा ट्राई करें, मैंने यहाँ सबका बंद कर दिया है। ट्राई करें अनुग्रह, स्क्रीन शेयर में जाएं, ग्रीन बॉक्स को दबाएं और जो भी स्क्रीन में लिखा हुआ आता है, अगर स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है उसको आप शेयर कर दें। अनुग्रह कांग्रेचुलेशंस, यम्मी, ये क्या दिखा दिया आपने, उफ, केक, वेरी गुड। अब मुझे भूख लग रही है, वैसे भी शाम का टाइम है, अब मुझे भूख लग रही है। क्यों अनुराग, क्यों दिखाया ये केक, बहुत टेस्टी केक है। ओके मैम, एक बार मैं और शेयर, आखिरी बार ट्राई करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सब भी घर में जरूर ट्राई करें। सार्थक लाकरा आपका भी आ गया, आप ट्राई करें। तान्या बहन एक और बार, एंजल साहू नहीं, उसका नाम तान्या है, वो ट्राई करे, वरना मैं सबका नाम तान्या रख दूंगी, जिसका नाम तान्या है वो शेयर करे। किरण आपका भी शेयर हो गया, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस। फिर से करूं मैं? नहीं नहीं अभिषेक, एक सेकेंड ना, अभी जिसका नाम तान्या है सिर्फ वो शेयर करेंगे। एलिशा बहन आपका नाम तान्या नहीं है, सिर्फ yes, तान्या मैं कर रही हूं। यस मैम, ओके, तान्या बहन का फिर से टेडी बेयर शेयर हो गया, बहुत क्यूट, वेरी गुड। मैं करूं? जी अभिषेक, आखिरी बार आप ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ मैम मैं करूं? आज रात हो जाएगी और हम शेयर करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। आज आपका होमवर्क भी इसी प्रकार से है, टेंशन मत लीजिए। तब तक मैं सिस्टर भावना से अनुरोध करूंगी, सिस्टर भावना आप चैट बॉक्स में डीजी मीट का लिंक डाल दें। भाई अभिषेक ने कुछ शेयर किया है, ओके, भाई अभिषेक ने फोटो शेयर किया है। अभिषेक ये पापा मम्मी का फोटो है? यस मैम। ओके वेरी गुड, ठीक, अब हम में से कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आपने जब देखा होगा मोर के ऑप्शन में, मैं आपके सामने ये इस चीज को बढ़ा के दिखाना चाहूंगी, सब लोगों के स्क्रीन में मेरा चेहरा आ रहा है? यस मैम आ रही है। यस मैम, यस मैम। अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अगर आपको चेक करना है कि आपकी मीटिंग में कितने लोग हैं, तो आप कैसे चेयर करेंगे, चेक करेंगे इसी स्क्रीन में, ये देखिए आप सब आ रहे हैं ना मेरी स्क्रीन में, इसी स्क्रीन में यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट्स, नजर आया? ये जेसिका दीदी, अशी, हाय, आपको नजर आया? मेरे घर, यस मैम। ओके ये देखिए, यस, वेरी गुड। सब पार्टिसिपेंट्स में जाएं, जल्दी से भाग के जाएंगे, सब पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे। पहला जो नाम है आपका अपना नाम है, कृपया अपने नाम के आगे डीजी लगाएं, डी आई जी आई, मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ। ये मेरा नाम है जेसिका रॉबिन आमोस, मैं यहाँ पर कोने में ना एक छोटा सा आरो बना हुआ है, नजर आया आपको? इस छोटे से आरो को दबाकर नीचे लिखा आया होगा रीनेम। जी रीनेम में जाए और वहां पर अपने नाम के आगे लगाएं डीजी, डी आई जी आई, जो जो लगाएगा उसको यहाँ से। मैम मैंने लिख दिया। ओके के आशी ने लिख दिया, वेरी गुड। शर्बानी ने लिख दिया, अभिषेक डीजी मैम मैंने लिख दिया, मैम मैं यहाँ से चेक करती रहूंगी। हाँ स्पर्धा ने लिख दिया, मैम मेरा नाम है। एक काम करिए, अपने नाम से पहले डीजी लगाइए ताकि मैं पढ़ पाऊँ, मेरे नाम के आगे है ना डीजी, डीजी जेसिका रॉबिन आमोस, ऐसे आप भी करें जिन्होंने नाम के पीछे लगाया है, वेरी गुड। डीजी अलीशा मसीह, वेरी गुड, मैं चेक करूंगी। जी जी मैं सबका चेक करके बताती हूँ।
शर्बानी ने नाम के आगे डीजी लगाया है, किरण डीजी जी, सुनील मांझी आपका नाम काफी बड़ा है, स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है, आपने नहीं लगाया अभी तक, सुनील मांझी भाई। तानिया तिगा डीजी वेरी गुड डीजी, डीजी किरण डीजी आपका नाम आपने लगा दिया, वेरी गुड। विवेक भाई आपने नहीं लगाया, एंजल साहू, एंजल साहू हाय, एंजल साहू हेलो, क्या करिए आपकी स्क्रीन को छुइए, एंजल स्क्रीन को छुइए, स्क्रीन में नीचे बीच में हरे रंग का डब्बा आ रहा होगा ना, उसके बगल में पार्टिसिपेंट्स लिखा होगा, दो ऐसे सर बने होंगे, ओके आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डीजी रंजन जोशी, डीजी रिया रिचल सिंह, शिवानी ने नहीं लगाया, डीजी मीट एलिशा वेरी गुड, डीजी मीट रूथ वेरी गुड, एमी इवेंजेलिन ने भी नहीं लगाया, डीजी जितेंद्र, सार्थक लाकरा डीजी, डीजी स्पर्धा रॉडनी, शालिनी थॉमस के नाम से जुड़े हैं आशी, आशी हाय, हाय कर सकते हैं सबको, हेलो आशी, पता है आपको क्या करना है, आपका ये जो स्क्रीन है ना उसको छुइए, आपको उसमें देखो नीचे शेयर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ना ग्रीन डब्बे में, उसके राइट साइड में पार्टिसिपेंट्स लिखा है, उसको टच करिए, वेरी गुड, उसमें सबसे ऊपर आपका नाम लिखा आ रहा होगा शालिनी थॉमस, उसके बगल में छोटा सा एरो बना होगा सबसे कोने में है ना, उसमें दो चीजें लिखी होंगी, रेज हैंड और नीचे रीनेम लिखा होगा, रीनेम लिखा है ना, वेरी गुड, रीनेम में जाके आप आशी लिख दीजिए, टाइप करिए, यहाँ पर रीनेम में लिखा है ना शालिनी थॉमस, वहां पर आशी, आशी लिख के उसको ओके कर दीजिए, ओके वेरी गुड आशी, सब लोग आशी के लिए ऑनलाइन क्लैपिंग करेंगे, बहुत अच्छा, मैं तो कह लाइव कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लैपिंग करिए, वेरी गुड वेरी गुड, सबने क्लैपिंग भी ढूंढ लिया, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आशी को अंगूठा दिखाना सिखाऊंगी, आशी और सबको इनफैक्ट दिखाऊंगी, मोर का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, तीन बिंदी स्क्रीन में, सबसे आखिर में तीन बिंदी नजर आ रहा है, ओके तीन बिंदी दबाइए, उसमें आपको थम्स अप नजर आ रहा होगा, थम्स अप नजर आ रहा है तीन बिंदी में, दबाइए थम्स अप दबाइए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सब लोग मुझे दिल दिखाएंगे, आपको दिल नजर आया थम्स अप के बगल में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिस्टर भावना अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो जरूर स्क्रीनशॉट ले सीन का, सब बच्चे आज बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अब लोग क्या क्या करते हैं हम जरा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब कोई क्लास में फर्स्ट आता है तो लोग क्या बजाते हैं, ऑनलाइन तालियां बजाइए, जाके वेरी गुड। फिर जब कोई अच्छे से काम करता है तो लोग क्या बोलते हैं, शाबाश पुत्र शाबाश बेटा, तो शाबाश दिखा दीजिए, वेरी गुड गुड। जब कोई बहुत अच्छी चीज करता है, क्यूट सी चीज करता है, मानो आपके घर वाले आपके लिए टेडी बेयर लाए, गिफ्ट लाए, तो हम उन्हें क्या दिखाते हैं, दिल, तो ऑनलाइन दिल दिखा दीजिए, वेरी गुड परफेक्ट। फिर जब कोई गंदा सा जोक मारता है या फिर जब कोई चार दिन तक नहीं नहाता तो बदबू आती है, तो उसे सूंघ के क्या आती है, हंसी आती है, सब लोग हंस के दिखाएं या जब रात को कोई खराटा मारता है ऐसे तो लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, तो हंसने वाला इमोजी दिखाइए, वेरी गुड। फिर जब कोई महान काम करता है, जैसे आप सबने टीवी में तो देखा होगा डोरेमोन, छोटा भीम, शक्तिमान शक्तिमान, जब वो कोई बड़ा काम करते तो क्या बोलते हैं, वाओ वाओ, तो सब लोग करिए वाओ, वाओ अनुराग भी करेगा,
अनुराग अनुराग उसमें देखो आपको उसमें भी मिलेगा आपने ऑप्शन में जाओ अनुराग नीचे तीन बिंदी है ना राइट साइड में स्क्रीन में तीन डॉट है हाँ उसको दबाइए उसमें एक मुंह बना होगा जो ऐसे कर रहे हो सब लोग अपने मुंह से करिए ऐसे ओ कोई बात नहीं आज आप मम्मा से बोल के उसे अपडेट करेंगे सब कुछ आ जाएगा और आखिरी में जब किसी की बर्थडे पार्टी होती है किस किस को बर्थडे में जाना पसंद है थम्स अप दिखाएं ऑनलाइन थम्स अप और जब बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो बल्ले बल्ले डांस करते हैं ना सब लोग करिए ऐसे ऐसे करिए बल्ले बल्ले डांस हाँ सब लोग ऐसे बल्ले बल्ले करते और फिर दिखाते हैं पार्टी का साइन तो ये आ गई पार्टी सबकी वेरी गुड तो आज हमारे लोगों ने पार्टी भी कर दी अफसोस जिनका कैमरा बंद है मैं आपके खूबसूरत चेहरे नहीं देख पा रही तो कृपया अपने कैमरा खोलें मैं ऐसे बोलूंगी स्वाहा तो सबके कैमरा खुल जाने चाहिए हाँ 1 2 3 स्वाहा वाह मैं कितनी अच्छी जादूगर हूँ सबका कैमरा खुल गया ओके तो आज आपने बल्ले बल्ले करना सीख लिया रीनेम करना सीख लिया पार्टी करना सीख लिया सब कुछ करना सीख लिया हमारे बहुत अच्छे स्मार्ट बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया किसी को कोई सवाल अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं फिर मैं आपको आज का होमवर्क बताऊंगी और हमारे होमवर्क बोरिंग नहीं होंगे आपको कॉपी में ऐसे नहीं लिखना होगा डीजे मीट के ऊपर राइट साइड हाँ जी बताओगे हाँ 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 आप पूछेंगे और हम बताएंगे तो आप पूछ सकते हैं और हम बताएंगे किसी के पास कोई सवाल है माइक खोलकर पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई ऑप्शन नहीं मिला या कोई प्रॉब्लम हुई अगर सबको आज का सेशन पसंद आया तो सब दिल या फिर थम्स अप दिखा सकते हैं दीदी डाउट है आप पूछिए पूछिए लिंक कैसे भेजना है बहुत अच्छा सवाल ठीक आप सब लोग देखिए अपनी स्क्रीन को छुइए वहां पर अगर आप देखेंगे अगर आप इस मीटिंग में एज अ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं तो वो सर जो बने वहां जाइए जो दो सर बने वहां जाइए पार्टिसिपेंट जहां लिखा है वहां जाइए सबसे आखिरी में इनवाइट का ऑप्शन नजर आएगा लिखा हुआ आया लेफ्ट साइड में यस दबाइए वो आपसे पूछेगा आपको कैसे इनवाइट करना है क्या आपको मैसेंजर से इनवाइट करना है व्हाट्सएप से इनवाइट करना है जीमेल से इनवाइट करना है ये मोबाइल का स्क्रीन सबसे नीचे जाइएगा आपने जब स्क्रीन छुआ ना पार्टिसिपेंट आया होगा दो मुंडी को छुएंगे और सबसे नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड में आएगा इनवाइट ठीक और उसमें भी जब सबसे नीचे जाएंगे तो ये आएगा कॉपी इनवाइट लिंक किस किस को मिल गया मैम मुझे ओके अब क्या करना है इसको टच करना है अब आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं या तो आप यूट्यूब में जाएं या आप व्हाट्सएप में जाएं या फिर आप कहीं भी जाएं आप उसको जाकर बस पेस्ट करना है और वो आपके सामने आ जाएगा मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ जेसिका दीदी अभी आपको उदाहरण दिखाएंगी ओके ठीक है देखिए मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रहा है ये मेरे फोन का स्क्रीन है अब मैं गई व्हाट्सएप में अब व्हाट्सएप में मान लीजिए मुझे भेजना है किसको भेजूं मुझे भेजना है आशीष भाई को ठीक है आशीष भाई को मैं क्या करूंगी अब दबा के रखूंगी और पेस्ट कर दूंगी तो ये देखिए मेरा लिंक आशीष भाई को चला गया ठीक है मेरा लिंक आशीष भाई को चला गया था सिंपल ऐसे आप किसी को भी भेज सकते हैं और ये देखिए ध्यान से मेरी स्क्रीन को देखिए सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है यस कोई मुझे बताएगा आपके ग्रुप का नाम कहाँ पर है
नीचे से तीसरे नंबर पे। परफेक्ट। अब आप देखिए मैंने इसको छुआ, सब लोग अभी इस चीज को करेंगे, अपने स्क्रीन को अपने फोन के बीच वाले बटन को दबाएं। आप में से जिसने डिजी मीट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए, या फिर एक काम करें, अगर आप अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो स्क्रीन में रुक जाएं। ओके, मैं जस्ट एक चीज दिखाऊंगी। सब लोग वापस मुझे देख पा रहे हैं? हेलो हेलो एवरीबॉडी, सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? अनुराग तो डांस करने लग गया, वेरी गुड अनुराग। ओके, सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? वेरी गुड, अच्छे बच्चे, अच्छे जवान। अब आपको क्या करना है? अब मैं आपको एक खतरनाक चीज बताने जा रही हूँ, किसी को बताएंगे तो नहीं। आज मैं आपको एक होमवर्क देने जा रही हूँ। क्या देने जा रही हूँ? होमवर्क। और आप सबको डिजीमीट का ये जो ग्रुप है ना उसमें डालना है, डिजीमीट का ग्रुप दिखा है ना, आपका होमवर्क ये है। और पहला होमवर्क है, आपको अपने घरों में जाकर अपने लिए एक जूम मीटिंग करना है। कैसे करना है वो मैं अभी दिखा देती हूँ। आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, कैमरा ऑफ कर सकते हैं, आपको मेरी आवाज आ जाएगी जी। ओके, ये देखिए सबके सामने मेरा स्क्रीन आ रहा है। ये स्क्रीन आशीष भी स्क्रीन दिखा रही है ना? ये देखो स्क्रीन में आपको मैं दिखाती हूँ, स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है न्यू मीटिंग लिखा हुआ? नहीं आ रहा। अब आ रहे? यस यस। आज आपका होमवर्क ये है, सभी बच्चों और जवानों को क्या करना है, आपको एक जूम जब आप डाउनलोड करेंगे जूम में जाना है, न्यू मीटिंग में जाना है और एक मीटिंग तैयार करना है। और उससे मजेदार चीज बताऊं, इस न्यू मीटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन में जाना है। मैं चाहूंगी कि एमी आप इस चीज को एक मैसेज में टाइप कर सकते हैं, आप ट्रेनर्स के ग्रुप में डाल दीजिएगा, फिर मैं शेयर कर दूंगी। सबसे पहले न्यू मीटिंग में जाना है, फिर उसके बाद आपको पार्टिसिपेंट्स में जाना है। ठीक, न्यू मीटिंग में जाकर पार्टिसिपेंट्स में जाना है, सबसे नीचे लेफ्ट में, याद रखिएगा सबसे नीचे लेफ्ट में लिखा हुआ आएगा इनवाइट। क्या लिखा हुआ आएगा? इनवाइट। वेरी गुड, इनवाइट। राइट के ऑप्शन में जाना है, सबसे नीचे जाना है, इनवाइट के ऑप्शन में भी सबसे नीचे जाना है। फिर आएगा कॉपी इनवाइट लिंक। क्या आएगा? कॉपी इनवाइट लिंक को दबाना है। और जैसे मैंने अभी व्हाट्सएप पे गई जाके मैंने डिजीमीट ग्रुप पे पेस्ट किया, आपको भी जाकर पेस्ट करना है। अगर आपने बना दिया तो आप जाकर डिजीमीट के ग्रुप में पेस्ट कर सकते हैं, पर अभी आप करोगे तो मेरा लिंक आएगा, बाद में करेंगे तो सबका लिंक आएगा। और दूसरा होमवर्क, ये होमवर्क हम ग्रुप में डालेंगे तो डरिएगा नहीं, दूसरा खतरनाक होमवर्क है कि आपको मीटिंग में जाकर, अभी आपके स्क्रीन में कुछ आएगा उसको देखिएगा, मीटिंग में जाकर आपको शेयर करना है। शेयर का ऑप्शन बता रहा हूं, मीटिंग में जाकर शेयर का ऑप्शन, जी जी जी, शेयर का ऑप्शन दबाकर आपको जो आप शेयर का ऑप्शन है उसमें कुछ शेयर करके फोन में स्क्रीनशॉट खींचकर ग्रुप में भेजना है। ओके, स्क्रीनशॉट कैसे खींचते हैं? कुछ मोबाइल में कोने के बटन स्क्रीनशॉट खींचता है, कुछ मोबाइल में डबल टच करने से स्क्रीनशॉट होता है। आप मम्मी से पूछ सकते हैं आप, या खुद चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट कैसे होता है। स्क्रीनशॉट लेकर आपने क्या शेयर किया उसे ग्रुप में भेजना है। क्या सब लोग करेंगे? यस यस करेंगे। तो आज आपका आखिरी, जो कहते हैं ना, आपका आखिरी बड़ा असाइनमेंट दीदी आपको देगी। सब लोग चैट बॉक्स में जाइए, चैट बॉक्स में भावना मसी
करके लिखा हुआ आएगा, उन्होंने आपको कुछ नीला नीला भेजा है, नजर आ रहे हैं? यस कैट पॉच में जाए, कैट पॉच में कैसे जाते हैं? मोर में जाए, चार्ट में जाए, भावना मेसी ने कुछ भेजा है, सबको नजर आया? जी यस yes. टच करें, टच करें yes. उसको टच करने से क्या आया? YouTube. हाँ, अगर उसमें लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, तो भाइयों और बहनों कर दीजिए सब्सक्राइब, ओके? कर दिया। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो उड़ा मत देना। मेरे फोन में नहीं आया। आपके फोन में आशी, आपके फोन में नहीं आया ना? इसको मैं दोबारा भेजती हूँ, इस लिंक को हम करेंगे कॉपी, पूरे लिंक को इनफैक्ट करेंगे, तो मेरा भी यहाँ खुल गया, ओके, पूरे लिंक को करेंगे सेलेक्ट ऑल, नहीं एक सेकेंड ना, ओके कंट्रोल प्रेस सी, स्क्रीन में देखिए सबके पास दोबारा आया होगा लिखा हुआ, आशी आप चेक करिए, अब उसको दबाइए, और मैं दोबारा बता रही हूँ कैसे आएगा वो देख लीजिए मेरी स्क्रीन में, है ना? अब आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, मैं कहाँ हूँ मैम हो गया, अगर यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है, अगर ऐसे सब्सक्राइब लिखा है तो उसे छोड़ दीजिएगा, अगर यहाँ लेफ्ट में सब्सक्राइब आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, किस किस में आएगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, किसी में आया सब्सक्राइब लिखा हुआ? अगर लाल में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो उसको दबा दीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब मेरे में सब्सक्राइब आ रहा है, हां तो उसको उड़ाना मत, बिल्कुल सही है, उसको रहने दीजिए, ओके परफेक्ट। तो आज की क्लास में मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा, मैं आपको एक आखिरी मैजिक बताऊंगी, पर उस मैजिक में जाने से पहले हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो मैजिक बहुत खतरनाक है, वो मैजिक दिलों को दहला देने वाला मैजिक है, तो वो करने से पहले हम लोग प्रेयर करेंगे, और प्रेयर में हमारे बीच में रिया रेचल सिंह है, आप अपना माइक ऑफ कर प्रेयर कर सकते हैं, बाकी सब अपना माइक ऑफ रख सकते हैं, रिया रेचल सिंह आप माइक ऑन कर दें, रिया रेचल सिंह आपका माइक सबसे कोने में लेफ्ट साइड, वेरी गुड, आप प्रेयर कर सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद के साथ दयालु प्रभु जी, आज के दिन के लिए आपने हमको संभाल के रखा प्रभु जी, आज हमने डीजी मीट पर जूम मीटिंग पर किया समझा, और आज हमने बहुत सारी चीजें समझी प्रभु जी, तो हम उसे और अच्छे से जान पाए प्रभु जी, मांगते हैं प्रभु जी आप सबको ठीक रखना प्रभु जी, मांगते हैं प्रभु जी हम सब ठीक रहे प्रभु जी, हमें रोज बचा के रखेगा प्रभु जी इस बीमारी से प्रभु जी, और क्या मांगो प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, आपके नाम में आमीन आमीन आमीन। थैंक यू रिया, ओके आपको एक छोटा सा होमवर्क और देना है, आप लोग जब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे ना, वहां पर अपना नाम और एज जरूर लिखिएगा, आप कितने साल के हैं, कितने क्लास में पढ़ते हैं, जैसे अनुराग ने लिखा था कि वो 10th बी में है, कैसे किसी और ने भी लिखा था कि वो 8th बी में है, ऐसे आप भी अपना नाम और अपना एज जरूर लिखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अब आप मेरा मैजिक, जो खतरनाक मैजिक है, जिसे आप घरों में ट्राई मत करना, ये जानलेवा मैजिक है, ओके, वो देखने से पहले कुछ खास जनों से मैं आपको मिलाना चाहूंगी, ओके। सबसे पहले खास जन जो हमारे स्क्रीन में है, उनका नाम है एमी इवेंजेलिन रॉबर्ट, सब हाय बोल सकते हैं दीदी को, हेलो हेलो हाय। एमी इवेंजेलिन दीदी पता है कौन है? वो हमारे जैसे ही पहले एक स्टूडेंट थी, आज आप सब यहाँ पढ़ रहे हैं ना, एमी इवेंजेलिन दीदी भी पढ़ रही थी, और आज वो इतना अच्छा पढ़ी कि वो पढ़ के आज हमारी टीचर बन गए, तो एमी इवेंजेलिन दीदी भी हमें पढ़ाएंगी,
ओके एमी इवेंजेलिन दीदी के लिए ऑनलाइन तालियां। ऐसे एक और दीदी हैं जो हमारी एक पुरानी दीदी थी। अच्छा हाँ, ये एमी इवेंजेलिन दीदी और जो मृदुनिशा दीदी हैं, ये सरांशा दीदी के दोस्त हैं। तो आई थिंक सरांशा को आप में से बहुत जन जानते हैं, तो हम मृदुनिशा दीदी को भी सामने लाना चाहेंगे। हाय दीदी। हेलो। 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 तो दीदी भी हमें पढ़ाएंगी। दीदी भी लास्ट टाइम आपके जैसे पढ़ रहे थे और अब दीदी भी हमें पढ़ाएंगी। अगले जो भैया हैं वो हिमाचल से हैं। ये दोनों दीदी रायपुर और जबलपुर से थी और अभी अभी एक और अंशिका दीदी भी आएंगी। वो उड़ते उड़ते आई अभी अंशिका दीदी भी आएंगी। ये वाले भैया जो है, ये वाले भैया पता है कहाँ से? ये पहाड़ों के ऊपर बर्फ के नीचे हिमाचल से हैं। सब लोग भैया को भी हाय कर दीजिए। हाय हाय भैया। भैया का नाम है जितेंद्र, जितेंद्र भैया। ओके। फिर एक और भैया है बहुत दूर से। आप में से किस किस ने झांसी की रानी का नाम सुना है? दीदी मैंने सुना है। तो जैसे झांसी की रानी है वैसे ही हमारे बीच में एक झांसी के राजा हैं। हाय कर दीजिए सब भैया को। हाय। हेलो। हाय भैया। इन भैया का नाम है मोहित भैया। क्या नाम है इन भैया का? मोहित भैया। मोहित भैया। मोहित भैया हमें पढ़ाएंगे। फिर वो दूसरी दीदी जबलपुर से जो थी वो कहाँ गए? दूसरी दीदी कहाँ गए? हाँ सब इन दूसरी दीदी को भी हाय करिए। हेलो दीदी। हेलो दीदी। दीदी पीछे उनका नाम है अंशिका और दोनों बहने हैं। ऐसे आपके भी भाई बहन है ना? आप सब जनों के भी भाई बहन है ना? आप भी अपने भाई बहनों को लाना, फिर एक दिन इनके जैसे आप भी ट्रेनर्स होंगे। तो इनको भी हाई कर सकते हैं। हेलो। और हमारी एक और दीदी है जो कि भारत के दिल से हैं, दिल्ली से, बहन भावना दीदी। बहन भावना दीदी आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए ताकि सब आपको देख सके। वेरी गुड भावना दीदी। हेलो। सब लोग हेलो कर दीजिए भावना दीदी को। हेलो भावना दीदी। और भावना दीदी जो है ना, वो जब मैं बहुत छोटी थी वो मुझे भी पढ़ाती थी और उस टाइम दीदी मेरी फेवरेट ट्रेनर थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो तब दीदी ने मुझे पढ़ाया और दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो ये है वो टीचर्स जो आपको आने वाले दिनों में पढ़ाएंगे। और फिर इन दीदी को मत भूलना जिन्होंने आपको आज पढ़ाया। इन दीदी का नाम क्या है? जेसिका दीदी। जेसिका। जेसिका दीदी। जेसिका दीदी। ओके। तो ये है वो खास जन जो आपको पढ़ाएंगे। अगली क्लास का टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। प्लीज टाइम से आ जाइएगा, कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। खतरनाक खतरनाक सरप्राइजेस है। आज मैं ना लेट हो गई थी। कोई बात नहीं आशी, कोई बात नहीं, अगली बार से टाइम पे हम आपको याद दिलाएंगे। हाँ ओके। तो सब जनों को अगर मजा आया तो आखिरी बार सब लोग दिल दिखा सकते हैं, फिर हम लोग आखिरी मैजिक करेंगे। टाइम फॉर द आखिरी मैजिक। हो इस मैजिक के बाद आप सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, सबको क्या करना है? अपना स्क्रीन छूइए। लीव आ गए। सब लोग अपना स्क्रीन छू रहे हैं? जी, यस। ऊपर राइट साइड में लीव लिखा होगा, फिर आप जादू देखिए। ऊपर राइट साइड में लीव लिखा होगा, टच करिए। टच करो। बाय बाय। जो जो जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। लीव करते ही आपका मैजिक पूरा होता रहेगा। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। जो जो बच जाएंगे इसका मतलब वो ढूंढ नहीं पाए। बाय बाय। ढूंढिए ढूंढिए। बाय बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। सार्थक आपको मिला लीव का ऑप्शन? मिला। हाँ। बाय बाय। बाय बाय सार्थक। बाय 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 बेटा। बाय आशी। बाय जितेंद्र भाई। बाय भावना बहन। बाय बाय।